हेलो दोस्तों, स्टडी रूफ में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 18 जनवरी 2021 की जो भी शिफ्ट वन और शिफ्ट टू है, उन दोनों के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम लोग जीएस के क्वेश्चंस को देख रहे हैं। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपका एग्जाम आने वाले दिनों में है तो आप प्लीज ये वीडियो पूरा एंड तक देखें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, वो आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे और इसको देखने से आपका ही बेनिफिट होगा। तो वीडियो को एंड तक देखें, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 18 जनवरी की जो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया गया था। देखिए, रिपीटेड क्वेश्चन है और ये कई बार रिपीट हो चुका है, ठीक है? मतलब एक दो बार नहीं, ये कई बार, कम से कम 5-6 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो अगर चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो देखिए, इसमें महात्मा गांधी का ये सत्याग्रह 1917 में शुरू हुआ था और आज ये बिहार की जगह, आज बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में है, ठीक है? पूर्वी चंपारण जिले में। और कहा जाता है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का शुरुआत सबसे पहले भारत में यहीं पर किया था। और देखिए, चंपारण के लिए इन्हें किसने बुलाया था, तो वो राजकुमार शुक्ला जी थे जिन्होंने इनको चंपारण सत्याग्रह के लिए बुलाया था। और यहाँ पर था क्या, तिनकटिया प्रथा चल रही थी। और इस प्रथा में क्या होता था, क्यों इन्होंने सत्याग्रह किया, कि जो 3/20 भाग होता था इस पर नील की खेती कराई जाती थी, ठीक है? नील की खेती जबरदस्ती कराई जाती थी बगान मालिकों के द्वारा, जिसके विरोध में किसान जो है बहुत परेशान थे। और राजकुमार शुक्ला जी ने इन्हें गांधी जी को आमंत्रित किया था कि आप आए और इनकी दशा को देखें और सत्याग्रह का प्रारंभ करें। तो चलिए, इसका आंसर है 1917। आगे बढ़ते हैं। फिर ये करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो देखिए ये भी कई बार रिपीट किया जा चुका है क्वेश्चन। और करो या मरो का जो नारा था वो महात्मा गांधी जी ने दिया था। और कब दिया था ये, देखिए 1942 का जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, ठीक है? क्विट इंडिया मूवमेंट, QIM जिसे बोलते हैं। और ये कब शुरू हुआ था, इसको अगस्त रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। ये 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था और यहीं पर गांधी जी ने नारा दिया था डू और डाई का, करो या मरो का, ठीक है? तो ये सही जवाब हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक किस पर आधारित है, तो देखिए ये जो पुस्तक है युवराज सिंह पर आधारित है, ये उनके ऊपर आधारित है। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। युवराज सिंह, आपको पता होगा कि जो युवराज सिंह है ये कैंसर से पीड़ित थे और इन्होंने कैंसर को हरा दिया, और इसी पर इनकी जो ये जीवनी है टेस्ट ऑफ माई लाइफ, इसी पर ये आधारित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं, देखिए बहुत सारी चीजें जो दी हुई थी, तो इसमें जो था, तो हार्डवेयर की अगर हम लोग बात करें तो हार्डवेयर वो सारी चीजें होती है कंप्यूटर में, ठीक है? बेसिकली कंप्यूटर का क्वेश्चन है। हार्डवेयर वो सारी चीजें होती हैं जिनको हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है, सी कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर वो सारी चीजें होती हैं जिनको ना तो हम मतलब फील कर सकते हैं और ना टच कर सकते हैं, टच करके फील नहीं कर सकते, ठीक है? बस एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन उनका देख सकते हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशन। तो अगर हार्डवेयर की बात करूं तो हार्डवेयर देखिए कौन कौन से हो जाएंगे, मॉनिटर हार्डवेयर है हमारा, ठीक है? फिर कीबोर्ड हार्डवेयर है हमारा, उसके बाद देखें अगर तो माउस हार्डवेयर है हमारा, उसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर सीपीयू हार्डवेयर है हमारा, फिर प्रिंटर हार्डवेयर है हमारा, उसके बाद अगर देखें तो टचपैड हार्डवेयर है हमारा, ठीक है, और जॉयस्टिक भी हार्डवेयर है हमारा, ठीक है? ये देखिए, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। बस ये था कि उसमें सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा गया था, इसमें हार्डवेयर के बारे में पूछा है। मैं अपने पिछले वीडियो में भी इसको डिस्कस कर चुका हूं। और सॉफ्टवेयर की बात करें तो देखिए सॉफ्टवेयर में ऑफिस है, ठीक है, विंडोज है, उसके बाद अगर बात करें हम लोग तो नोटपैड है, ठीक है, ये सब सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और बहुत सारे और सॉफ्टवेयर है इसके, जैसे हमारा विंडोज भी एक सॉफ्टवेयर है, लाइनक्स भी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और यूनिक्स भी सॉफ्टवेयर है, तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स की श्रेणी में आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का वायरस नहीं है, ठीक है, माफ कीजिएगा, यहाँ पर एंटीवायरस होगा, ठीक है, इनमें से कौन सा एंटीवायरस नहीं है, तो अगर एंटीवायरस की लिस्ट हम लोग देखें तो एंटीवायरस में देखिए कौन कौन से आ जाएगा, मैकेफी आ जाएगा, K7 एंटीवायरस है, अवीरा एंटीवायरस है, उसके बाद अगर बात करें तो नॉर्टन एंटीवायरस है, क्विक हील एंटीवायरस है, ठीक है, अवास्ट एंटीवायरस है,
तो ये सारे कुछ एंटीवायरस हैं। और अगर वायरस की बात करें तो कौन कौन से वायरस है, तो देखिए ट्रोजन हॉर्स वायरस है, ठीक है, ट्रोजन हॉर्स नाम का वायरस है। और उसके बाद अगर देखें तो एक मालवेयर होता है, ये भी एक वायरस की श्रेणी में आता है। और उसके बाद अगर बात करें तो फोल्डर डुप्लीकेट है, ये भी एक वायरस है, ठीक है। और ये सारी चीजें आप देखिए, ये सब वायरस की श्रेणी में आते हैं और ये एंटीवायरस की श्रेणी में आते हैं। और कुछ कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं, जो कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हैं, तो कंप्यूटर की लैंग्वेज देख लेते हैं। इसमें क्या आएगा, इसमें कोबोल आएगा, ठीक है, इसमें फॉर्ट्रैन आएगा, इसमें C++ आएगा, इसी में जावा भी आता है, इसी में सी भी आता है, ठीक है। तो ये सारी, और इसमें पाइथन भी आता है। तो ये सारी चीजें आप देखिए, ये सारी कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हैं, ये सारे वायरस हैं और ये सारे एंटीवायरस हैं। तो ये सारी चीजें अच्छे से देख के और रट के जाइएगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये पूछा गया पृथ्वी जल सम्मेलन कहाँ हुआ है, जो मेरी ज्योग्राफी के वीडियो है। ज्योग्राफी के वीडियो में मैं ये सारी चीजें डिस्कस करा चुका हूँ। RRB का जो वीडियो है उसमें ये सारी चीजें डिस्कस है, सारे जो समिट्स हैं, सारे सम्मेलन हैं, वहां पर डिस्कस करा दिए मैंने, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। अगर यहाँ पर अर्थ समिट की बात करें तो देख लेते हैं, अर्थ समिट ये 1992 में हुआ था और ये हुआ था रियो डी जनेरियो में, ठीक है, रियो डी जनेरियो। और ये कहाँ पर है, ब्राजील में हुआ था, ठीक है। और ये किस लिए था, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को लेकर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर यह समिट किया गया था, ठीक है। और यहां पर 193 देशों ने भाग लिया था और देखिए इंडिया भी इसमें शामिल था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां मनाया जाता है। देखिए RRB के लिए एक, हमारा RRB के लिए एक प्लेलिस्ट में वीडियो है जिसमें आर्ट एंड कल्चर का पूरा एक वीडियो पड़ा हुआ है, जिसमें दो पार्ट है, एक तो क्लासिकल डांस पे है और एक है फोल्क डांस पे, ठीक है, ये दोनों वीडियो पड़े हुए हैं। तो फोल्क डांस में मैंने सारे फोक डांस करवाए हैं। और अगर हॉर्नबिल फेस्टिवल के हम लोग बात करें तो देखिए मुख्यतः नवंबर में मनाया जाता है, और ये कहां, नागालैंड जो स्टेट है, नागालैंड स्टेट जो है वहां का फेस्टिवल है। और अगर नागालैंड की बात करें तो देखिए ये हमारा कुछ नॉर्थ ईस्ट का मैप है, ठीक है। और अगर नागालैंड की बात करें तो ये जो हिस्सा है, यहां पर हमारा स्टेट है, ये है नागालैंड। और यहां पर कौन कौन सी ट्राइब पाई जाती हैं, ओ अंगामी और नागा, ठीक है। और 1972 में बना था ये स्टेट, तो यहां पर किस स्टेट का है, नागालैंड। और अगर इसकी बात करें कैपिटल, तो नागालैंड की कैपिटल कौन है, यह है कोहिमा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देख के चलिएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हो, देखते हैं कुना कहाँ की मुद्रा है। अगर कुना की बात करें तो देखिए ये क्रोएशिया की मुद्रा है, और क्रोएशिया कौन से कॉन्टिनेंट में है, यूरोप। और यूरोप में कितनी कंट्रीज है, तो अगर यूरोप में कंट्रीज की बात करें तो यूरोप में 44 कंट्रीज है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच रेलवे लाइन इज पैरेलल टू अरब सी। तो यहां पर अगर देखें तो ये हमारा मैप है, अगर मैप से समझने की कोशिश करें तो ये हमारा मैप है, देखिए इंडिया का मैप है, और ये इधर अरब सी है और इधर है बंगाल की खाड़ी, ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी है। और यहां पर देखिए ये जो गोवा से भी जाता है, तो ये है हमारी कोंकण रेलवे, ठीक है, कोंकण रेलवे, और ये पूरी तरीके से पैरेलल है किसके, अरब सी के। और ये सब पूरा डिस्कस किया है मैंने ज्योग्राफी में, जहां पर मैंने आपको प्रायद्वीपीय नदी का पठार पढ़ाया है, ठीक है, वहां पर मैंने इसको डिस्कस किया है। तो अगर यहां पर बात किया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोंकण रेलवे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और इसमें है इनमें से कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन नहीं है। तो देखिए अंतरराष्ट्रीय संगठन की अगर बात करें तो यूनिसेफ एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, IMF अंतरराष्ट्रीय संगठन है, ILO है, IMO है। उसके बाद देखें तो UNGA एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, फिर देखें तो इंटरपोल एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। उसके बाद अगर बात करें तो देखिए G20 है, G7 है,
और G77 है, फिर देखा जाए तो ब्रिक्स है, उसके बाद अगर बात करें तो इब्सा है, ठीक है, ये 2003 में बना था, और फिर देखें तो बिमस्टेक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो और भी बहुत सारे ईयू है, ठीक है। तो ये सारे अंतरराष्ट्रीय संगठन है। यहाँ पर जो अंतरराष्ट्रीय संगठन का जो ऑप्शन वहां पर होना चाहिए क्वेश्चन में वो था पाइथन। पाइथन अंतरराष्ट्रीय संगठन नहीं है, ये एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, ठीक है, ये एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो इन सारी चीजों को याद रखिएगा, और ये सारी चीजें मैंने डिस्कस की हैं, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से वीडियो है, वहां पर ये सारी चीजें डिस्कस की गई हैं। उसके बाद चलिए देखते हैं PMGDISHA का फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म बहुत पूछा जा रहा है, तो देखिए इसका जो फुल फॉर्म है वो है प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, ठीक है, पीएम दिशा, इसका ये फुल फॉर्म है। और ये किस लिए है? डिजिटल साक्षरता यानी डिजिटल इंडिया को प्रमोट करने के लिए एक सब स्कीम चलाई जा रही है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं पश्चिमी घाट में कौन सा दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है। फिर देखिए एक यही क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया था, ये क्वेश्चन सीधा वहां से आया है, और आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर और जो दर्रों वाला वीडियो है, ठीक है, आरआरबी के लिए स्पेशल ज्योग्राफी मैंने खत्म कर दिया है, दर्रों वाला वीडियो, उसमें सारी चीजें मिल जाएंगी। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो देखिए पश्चिमी घाट में कौन सा जो दर्रा है वो इसको जोड़ता है, तो तीन दर्रे थे देखिए, एक था थाल घाट, एक था भोर घाट और एक था पाल घाट, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये जो थाल घाट का दर्रा है ये जोड़ता है, जो पाल घाट का है ये केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है, ठीक है, तमिलनाडु से, और ये मुंबई को नासिक से, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए। उसके बाद देखिए आगरा का लाल किला किसने बनवाया था, तो आगरा के लाल किले को अकबर ने बनवाया था, ये अकबर के द्वारा है। और अगर दिल्ली के लाल किले की बात की जाए, दिल्ली का लाल किला, तो ये कब बना था, इसे बनवाया था शाहजहां ने, वर्ष 1632 में बना था। उसके बाद देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है और ये भी कम से कम 4-5 बार रिपीट हो चुका है। तो अगर इसकी बात करें तो 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, और ये है 1998 में परमाणु बम का परीक्षण कहाँ किया गया था। तो देखिए इसका परीक्षण किया गया था राजस्थान में, और राजस्थान में कहाँ पर, पोखरण में किया गया था, ठीक है, और ये भारत का दूसरा परीक्षण था, ठीक है, ये भारत का दूसरा परीक्षण था। पहला परीक्षण कब किया गया था, अगर पहले परीक्षण की बात की जाए तो 1974 में किया था, और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा इसका नाम था। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। भारत ने इस परमाणु के बाद भारत को परमाणु एटमी शक्ति होने का मिल गया था, और देखिए 1974 से 2008 तक भारत पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए रखा लगभग 34 साल के करीब, और 2008 में न्यूक्लियर पीस डील अमेरिका ने भारत के साथ साइन की थी, उसके बाद ही प्रतिबंध हटे थे भारत के ऊपर। भारत इस परीक्षण ने भारत को एटमी पावर के रूप में खड़ा कर दिया था। तो ये थे, और उसके बाद देखिए नरम और गरम दल एकीकृत सम्मेलन किसने अध्यक्षता की थी, सबसे पहले देख लेते हैं, वर्ष 1916 में, ठीक है, वर्ष 1916 में एसी मजूमदार की अध्यक्षता में जो सूरत में स्प्लिट हुई थी, जो सूरत स्प्लिट हुई थी वर्ष 1907 की, तो यहां पर 1916 में नरम दल और गरम दल वापस आकर मिले थे, इसकी अध्यक्षता इसी मजूमदार ने की थी, और इसको कहा जाता है लखनऊ सेशन, ठीक है, लखनऊ में ये सेशन किया गया था। यहां पर एक चीज और भी हुई थी कि जो कांग्रेस है प्लस मुस्लिम लीग, इन दोनों ने भी हाथ मिलाया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पहले खिलाड़ी जिसने तिब्बती स्वतंत्रता के लिए ओलंपिक मशाल का बहिष्कार किया था, तो देखिए यह है बाईचांग भूटिया,
भारत के खिलाड़ी हैं भाईचंद भूटिया, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये सिक्किम से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने ही तिब्बत फ्रीडम के लिए ग्लोबली फैलाने के लिए इसका बहिष्कार किया था। ये स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन है और ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, आंसर दे पाना मुश्किल होता है। उसके बाद देखिए पहला बैंक जो भारत का पूर्ण रूप से चलाया गया हो, तो देखिए ये था पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। और इसके देखिए एक संस्थापक सदस्य तो लाला लाजपत राय थे, ठीक है, लाला लाजपत राय थे, और इसकी स्थापना वर्ष 1911 में की गई थी, और ये पूरी तरीके से भारतीयों के द्वारा चलाया जाने वाला बैंक था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सबसे अधिक रेलवे लाइन किस राज्य में, तो देखिए ये भाई उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक रेलवे लाइन है, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, और योगी आदित्यनाथ इसके सीएम है। और यहां पर देखिए ये पॉपुलेशन वाइज फर्स्ट नंबर पे आता है, ठीक है, पॉपुलेशन वाइज फर्स्ट नंबर पे ये स्टेट आता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, पीछे की ओर से उड़ने वाली चिड़िया कौन है, जो पीछे की साइड भी उड़ सकती है, तो वो है हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड चिड़िया है, ये सबसे छोटी चिड़िया भी है, ये सबसे छोटी चिड़िया भी है। उसके बाद पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो देखिए पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, ये लॉजी होगा यहाँ पर, ठीक है, ऑर्निथोलॉजी। ऑन्कोलॉजी कहते हैं कैंसर के अध्ययन को, कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं, ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये थे आज की शिफ्ट के क्वेश्चन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ये आप सोशल मीडिया के लिंक्स हैं और ये हमारे चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।